नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र PGT, शिक्षा शास्त्र UGC नेट और शिक्षा शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकृतिवाद पर शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। तो प्रकृतिवाद का प्रणेता रूसो नहीं था, रूसो से पहले भी प्रकृतिवादी दर्शन प्रचलित था। हेराक्लाइट्स थे, थेलिस थे, एनेक्सिनेस थे आदि विचारों से प्रकृतिवाद पहले ही संपन्न थे। लेकिन जो रूसो थे वो प्रकृतिवाद को शिक्षा में ले आए, इसलिए शिक्षा में प्रकृतिवाद के जनक रूसो को माना जाता है। ठीक है, प्रकृतिवादी दर्शन के प्रणेता रूसो नहीं थे, रूसो प्रकृतिवादी दर्शन का शिक्षा में प्रणेता थे। उन्होंने शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा व्यवस्था में प्रकृतिवादी दर्शन या विचारधारा को मूर्त रूप दिया, इसलिए शिक्षा में प्रकृतिवाद के जो प्रणेता थे वो जीन जैक्स रूसो को माना जाता है। रूसो आपके इन जो है फ्रांस के जिनेवा में 1712 ईस्वी में पैदा हुए थे और इन्होंने इमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आदि पुस्तकें लिखी है। एक प्रश्न आता है कि रूसो के शिक्षा संबंधी विचार किस पुस्तक में पाए जाते हैं, तो ये इमाइल है। इमाइल में ही रूसो ने अपनी जो प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी उसे दिया था। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि रूसो से पहले भी प्रकृतिवादी दर्शन अपने अच्छे स्वरूप में था, जिसमें से हेराक्लाइट्स थे, उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड की रचना अग्नि से हुई है। एनेक्सिनेस थे, उनका मानना था कि हवा से इस संसार की रचना हुई है। थेलिस थे, प्रकृतिवादी, पहले प्रकृतिवादी थेलिस को माना जाता है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मानवों की उत्पत्ति जो है जल से बताया है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं थेलिस ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे माना, जल से। एनेक्सिनेस ने कैसे माना, हवा से। और हेराक्लाइट्स हैं, ये कैसे मानते हैं, परमाणुओं से। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के जो संयोग से हुआ है, जिसे अग्नि की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अग्नि। ठीक है, तो देखा जाता है कि जो प्रथम प्रकृतिवादी दार्शनिक थे वो थेलिस महोदय थे। थेलिस महोदय ने कहा कि ये संसार की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो जल से हुआ। एनेक्सिनेस जो थे हवा से मानते थे और हेराक्लाइट्स किससे मानते थे, अग्नि से मानते थे कि अग्नि से इस संसार की जो है रचना हुई है। ठीक, तो अब इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य और शिक्षा में उसकी उपयोगिता सिद्ध करने का कार्य जीन जैक्स रूसो ने किया था। तो जन्म के, अब अगर रूसो के बारे में बात किया जाए तो ये इनका 1712 ईस्वी में होता है, जिनेवा शहर में होता है जो कि फ्रांस में है। जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया, फलतः इनका जो पालन पोषण था इनकी सौतेली माँ ने किया। लेकिन सौतेली माँ इन पर ध्यान नहीं देती थी, इन्हें प्यार नहीं करती थी और इनकी देखभाल नहीं करती थी। तो माता पिता दोनों के प्यार से बचपन से ही वंचित थे। 14 वर्ष की अवस्था में रूसो घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो घर छोड़ने के बाद वह बुरी संगत में पड़ जाते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं। वह मजदूरों के साथ गंदी बस्तियों में रहता था और दिन भर जो है बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। तो इसके अलावा भी उनका उन गंदी बस्तियों में बहुत सारी महिलाओं से इनके अनैतिक संबंध भी थे। तो कुल मिलाकर के ये जो रूसो था ये वर्तमान में जीने वाला था, ये भविष्य की चिंता नहीं करता था, उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि रूसो की जो प्रारंभिक शिक्षा थी या औपचारिक शिक्षा थी ये नहीं हुई, यह औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन यह जन्मजात जीनियस थे, प्रतिभाशाली थे और इसी प्रतिभा के बल पर फ्रांस में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, जहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग अपने विचारों को रखते थे। तो रूसो भी उसमें भाग लेने के लिए गया। जब रूसो
वहाँ जाता है, उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो वो अपने ओजस्वी भाषण से उस निबंध प्रतियोगिता में सभी जजों को बहुत प्रभावित करता है और उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया उस निबंध प्रतियोगिता में। तो दोस्तों उसने, आप जानते हैं कि उस निबंध प्रतियोगिता में किस बात पर अपना मौलिक भाषण रूसो ने दिया था? उसने इसी प्रकृतिवाद पर बताया था और राज्य की दैवी सत्ता का नकारा था। उसने उसके जो विचार थे वो पूरे फ्रांस में तहलका मचा दिए और इसके बाद वह प्रथम पुरस्कार पाता है, बहुत सम्मानित होता है। सम्मानित होने के साथ साथ भी उसका जो संपर्क था छोटे लोगों से वो टूटा नहीं था। वह दूसरे साल पुनः उस निबंध प्रतियोगिता में गया, हिस्सा लिया। उसने अपने विचारों को जोरदार तरीके से रखा, उसके सभी विचार मौलिक थे। उसके बावजूद भी वहाँ जजों ने उसके साथ पक्षपात किया और उसे प्रथम पुरस्कार नहीं दिया। तो इस घटना से रूसो, चूंकि ऑलरेडी वह बड़े लोगों से, कुलीन लोगों से, बड़े उच्च वर्ग के लोगों से वो नफरत रखता था, हमेशा मलिन बस्तियों में मजदूरों के साथ रहा करता था, लेकिन जब पुरस्कार पा गया तो थोड़ा बहुत संबंध उसका कुलीन लोगों से था। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई, उसके साथ जजों ने पक्षपात किया, तो उसने क्या किया कि उसने पूरी तरीके से कुलीन लोगों से, बड़े लोगों से, उच्च कुल के लोगों से, धनी लोगों से उसने अपना संबंध तोड़ लिया और पुनः उन्हीं गंदी बस्तियों में रहने लगा। तो वहीं रहते हुए उसने जो है एक विधवा धोबन से विवाह भी कर लिया और 1762 में वह पेरिस छोड़ करके इटली चला गया। वहाँ उसने प्रकृति की गोद में रहते हुए अपने विचारों पर एक पुस्तक लिखी जिसे इमाइल के नाम से जाना जाता है। इमाइल आज भी प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था का एक पवित्र ग्रंथ है। और इसके अलावा उसने राजनीति विज्ञान पर भी पुस्तक लिखी और राजनीति विज्ञान पर जो उसकी पुस्तक थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक उसकी जब आई तो उसने उसको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि उसने अभी तक जैसे आदर्शवाद था तो आदर्शवाद में राज्य सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी, राज्य है, उसके बाद आपकी सभी चीज़ें हैं, राज्य के दैवी सिद्धांत में विश्वास किया जाता था। अभी तक पूरे यूरोप में इसी तरह की विचारधारा थी कि राज्य एक दैवी सत्ता है, ईश्वर के द्वारा राज्य की रचना हुई है, राज्य के आदेशों को ना मानने का मतलब है कि आप ईश्वर की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन जब रूसो हुए तो उन्होंने राज्य की दैवी सत्ता को नकारा और कहा कि राज्य किसी देवी देवता द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि ये तो हित साधने के लिए मानुष द्वारा निर्मित एक संस्था मात्र है और इसके अलावा कुछ नहीं है, मानना न मानना ये आपके ऊपर है। तो रूसो की इस विचारों से उस समय काफी जो कुलीन लोग थे, राजतंत्र में जो राजा शासन कर रहे थे, उन लोगों को बड़ी नाराजगी हुई इनके विचारों से और इनको गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया। ये पूरे जीवन छिपते भागते रहे और मलिन गंदी बस्तियों में अपना जीवन बिताते रहे। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इनकी जब रचनाएं प्रकाशित हुई उस समय पूरे पाश्चात्य जगत में इनके ज्ञान विज्ञान का तहलका मचा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो रूसो अपने पूरे जीवन तकलीफों और मुश्किलों का सामना करता रहा, उसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, उसे समाज में कभी कोई सम्मान नहीं मिला। रूसो को जो सम्मान मिला, रूसो को जो इज्जत मिली, जो विद्वानों के बीच, राजनीति शास्त्रियों, शिक्षा शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों के बीच जो उसे आज स्थान प्राप्त है, वह उसे मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। मृत्यु के पहले उसे समाज उसके विचारों को ना तो ठीक से पढ़ा, ना ठीक से जाना, ना उसका मूल्यांकन किया, इसलिए रूसो पूरे जीवन जो है वो भागता रहा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं रूसो के कृतित्व पे, उसके व्यक्तित्व पे। तो रूसो बहुत ही प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था, वह स्वतंत्रता का बड़ा प्रेमी था, इसीलिए उसने शिक्षा में प्रकृतिवाद की विचारधारा को लाया और वह शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं मानता था कि शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, ठीक है, ये सब उसके विचार थे। अब हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे जिसके आधार पर उसने प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। ठीक, तो प्रकृतिवाद के प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनको हम निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं। पहला इसका सिद्धांत है
यह ब्रह्मांड प्रकृति द्वारा निर्मित है। प्रकृतिवाद का पहला सिद्धांत क्या था कि ये जो ब्रह्मांड है आपका, ये जो संसार है, ये कैसे निर्मित है? प्रकृति द्वारा, प्रकृति ने इसे बनाया है। अब दूसरा विचार यह था कि प्रकृति इस संसार की सृजनकर्ता व संहारक है। इसके कहने का मतलब यह था कि प्रकृति ही इस सृष्टि को बनाती है और प्रकृति ही इस सृष्टि को बिगाड़ती है, उसका संहार करती है, उसे नष्ट करती है। जैसे प्राकृतिक चीज़ों के संयोग से यह सृष्टि बनी है, बहुत बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, बहुत से ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी आने की वजह से पूरी सभ्यता की सभ्यता नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहें, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी, उसके बावजूद भी वहाँ कोई रह नहीं गया। कैसे समाप्त हो गए, इसका जो कारण है वास्तविक, आज भी वह जांच का विषय है। बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, जितने भी कारण दिए जाते हैं उन कारणों में से एक है प्राकृतिक आपदा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से भी बड़ी बड़ी सभ्यताएँ जो है वो नष्ट हो सकने की आशा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, अभी वो सोच से प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारी इतिहास गवाह है कि ऐसी सभ्यताएँ थीं जो प्राकृतिक आपदा की वजह से वो समाप्त हो गई हैं। आज भी अगर हम वर्तमान में 2020 में देखें तो भी ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिनकी वजह से हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मानवता पर एक बड़ा संकट आ गया है। तो प्रकृति इस संसार की सृजनकर्ता और संहारक है, प्रकृति इस संसार को बनाती है और प्रकृति संसार को नष्ट कर देती है। फिर बात आया कि प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। इनके कहने का मतलब था कि जब प्राकृतिक के संयोग मिल जाता है तो इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और जब तथा विघटन से अंत। ठीक है, ये क्या बोला कि जो प्राकृतिक पदार्थ है ये जब संयोग करता है, मिलता है, तो क्या होता है, सृष्टि होती है, इस संसार की रचना होती है, लेकिन जब विघटन हो जाता है वो पदार्थ, तो इस सृष्टि का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इसको समझिए सही से कि जब प्राकृतिक चीज़ें संयोग से मिलती हैं तो इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और जब वो प्राकृतिक पदार्थ जो संयोग से मिले थे अगर वो विघटन हुआ तो उस सृष्टि का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। जैसे प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से बर्फ बनता है, परिस्थितियाँ बनती हैं, उतना टेम्परेचर बनता है तो बर्फ बन जाता है। जब परिस्थितियाँ विघटित हो जाती हैं, वो टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है, तो बर्फ गल कर फिर क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। तो आज भी केदारनाथ में जो शिवलिंग है उसका यही है कि एक खास एक मौसम में बनता है जब प्राकृतिक चीज़ें उसके अनुकूल होती हैं, जब प्राकृतिक चीज़ें प्रतिकूल हो जाती हैं वो बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मछली कहा जाता है, कहावत है कि मछली सीप पाई जाती है, सीप के मुंह में मोती पाया जाता है, तो उसमें एक खास नक्षत्र में जब मछली समुद्र में होती है सीपी, और एक खास नक्षत्र की वर्षा की जो बूंदें होती हैं उसके मुंह में जब जाती हैं तभी वो मोती बनता है, ऐसे कोई भी किसी मौसम का जो बरसात का पानी हो अगर सीपी के मुंह में जाता है तो वो मोती नहीं बनता। तो कुल कहने का मतलब ये कि जब संयोग मिलता है प्रकृति का तभी उसकी रचना होती है, और जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, तो इस सृष्टि का अंत हो जाता है। तो ओवरऑल प्रकृति पर ही निर्भर होता है। और उन्होंने क्या कहा, भौतिक
संसार सत्य है और आध्यात्मिक संसार और आध्यात्मिक असत्य है। ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने कहा कि हमारा जो भौतिक संसार है, जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? सत्य है। और जो आध्यात्मिक है वो क्या है? असत्य है। आध्यात्मिक संसार जैसी कोई संसार नहीं होता। जो आपके सम्मुख है, जो आपके सम्मुख दुनिया दिख रही है, यही दुनिया है। इसके अलावा कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है, ऐसा रूसो का मानना था। ठीक है, फिर इसके अलावा रूसो कहता था कि पदार्थ नष्ट नहीं होते बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है। देखिए, ये जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है ये काफ़ी दार्शनिक है कि पदार्थ नष्ट नहीं होते बल्कि इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे आपका वैदिक दर्शन बोलता है कि जो आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, बल्कि ये नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये क्या था? आध्यात्मिक जगत के बारे में बात किया गया था। लेकिन प्रकृतिवाद ने इसे किस तरह से बात किया भौतिक जगत के बारे में, कि जो कहा कि जो पदार्थ होता है वो नष्ट नहीं होता, पदार्थ कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। वो क्या होता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप फल है, फल खाते हो, उसका स्वरूप बदला, गुठली आप फेंक, गुठली है, गुठली फेंक दिए, गुठली छोटा सा पौधा बन गया, स्वरूप बदल गया ना। फिर जब पौधा बना, बड़ा सा वृक्ष बना, फिर उसमें फूल फल लगे, स्वरूप बदलता रहा, फिर वो वृक्ष सूखा, सूख के लकड़ी हुआ, लकड़ी से ईंधन बनाया गया, फिर उसको जलाया गया, जलाने से उसको राख बनी, राख उसको मिट्टी में मिल गया। अब फिर हो सकता है उसी मिट्टी से कोई कलाकृति का निर्माण कर दिया जाता है। तो उसका कंटिन्यूअस जो स्वरूप होता है पदार्थों का, वो बदलता रहता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। ये इनका प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर अगला इन्होंने कहा कि आत्मा पदार्थ जनित चेतन तत्व है। ये बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है, आत्मा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। कि जो आत्मा है इसमें दो बातें, एक तो पदार्थ जन्य है और दूसरा क्या है? चेतन है। दो बातें बोल रहे हैं कि आत्मा में चेतनता को इन्होंने चैतन्य माना, और दूसरा आत्मा कैसे बना है? पदार्थों से मिलकर बना, ये भौतिक शरीर की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य संसार की सर्वोच्च रचना है। इसके बाद ये बोलते हैं मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवादियों का मानना था कि श्रेष्ठ में जो सबसे श्रेष्ठ है वो मनुष्य है, जबकि परमात्मा को श्रेष्ठ बताया गया है, कुछ दर्शनों में ईश्वर को बताया गया है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इस संसार में जो जीवित जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और उसने कहा कि मानव का जो विकास है वो प्राकृतिक क्रिया है। दूसरी चीज़ उसने कहा कि मानव का जो जीवन है, उस जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह सुखपूर्वक जीना है, ना कि वो किसी प्रकार के अंतिम उद्देश्य में वो विश्वास नहीं रखता था कि कोई आध्यात्मिक जगत, आत्मा, परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं। उनका मानना था कि जो मानव जीवन है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना है। आप सुख शिक्षा द्वारा सुखपूर्वक जीवन बिताइए, यह जीवन का उद्देश्य है। फिर उन्होंने कहा कि राज्य एक व्यवहारिक सत्ता है, इसका कोई दैवीय आधार नहीं है। यही इनकी जो बात थी वह उसमें तत्कालीन शासकों को इनके विरुद्ध कर दिया, जिसकी वजह से इनको देश से निकाला गया, इनको गिरफ्तार किया गया, दर दर इन्हें भटकना पड़ा, इनको तमाम प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, समाज में इन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। वो यही इसमें स्टेटमेंट था कि राज्य केवल एक व्यवहारिक सत्ता है, इसका कोई दैवीय आधार
नहीं है, किसी देवी देवता ने राज्य का निर्माण नहीं किया है। तो इनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा पाश्चात्य जगत में। फिर अगर देखा जाए इनका जो विचार था उसने नेपोलियन की, जो रूस में नेपोलियन की क्रांति हुई थी उसमें इनके विचारों की ही प्रमुख भूमिका थी। कभी कभी पूछा जाता है कि नेपोलियन की जो क्रांति थी वो किसके विचारों से या किस दर्शन से प्रभावित थी, तो प्रकृतिवाद से, रूसों के विशेष तौर पे विचारों से प्रभावित थी। तो अब ये था प्रकृतिवाद का प्रमुख सिद्धांत कि प्रकृतिवाद इस संसार के बारे में अपना क्या विचार रखता है, इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा का अगर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए तो क्या बात निकल कर आती है सामने। ठीक, तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया कि जो प्रकृतिवाद है यह एक ऐसी दार्शनिक व्यवस्था है जो ये मानता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही द्वारा इस संसार का सृजन होता है, प्रकृति ही द्वारा ही संसार का विनाश होता है। तो प्रकृति ही कर्ता एवं संहारक दोनों है, प्रकृति के ही द्वारा ये संसार की जो सारी क्रियाएं हैं वो संचालित हो रही हैं। तो इन चीज़ों के बाद हम लोग अब बात करते हैं प्रकृतिवाद का शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ निहित हैं उनका विकास करके बाहर लाना, ठीक है, उनका विकास करना। उसने ईमाइल में लिखा कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो व्यक्ति है वह जब प्रकृति के हाथ से या नियंता के हाथ से आता है, बच्चा जन्म लेता है तो वो पवित्र होता है, लेकिन जब वह मनुष्य के संपर्क में आ जाता है तब वह दूषित हो जाता है। ठीक है, ये इनका ये विचार था कि जो बालक है जन्म लेता है वह नियंता के यहाँ से आता है तो वो प्योर रहता है, प्योर माइंड बॉडी, उसके अंदर कोई कुविचार नहीं है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, उसका हृदय स्वच्छ है। लेकिन जैसे ही वह मानव के संपर्क में आता है, मनुष्य अपनी कुटिलता से उसे दूषित, समाज के संपर्क में आने से उसे दूषित कर देता है और बालक भी इस चावलाक समाज का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब देखते हैं इनके शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, तो अगर इनके शिक्षा के उद्देश्य देखा जाए तो पहला इनका उद्देश्य है मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का विकास करना। देखिए कितनी व्यवहारिक बात इन्होंने लिखा है। आज मनोवैज्ञानिक भी इसी बात को मानते हैं, शिक्षा की परिभाषा देते हैं तो बताते हैं, गांधी जी की भी परिभाषा यही बात बताती है कि मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसका सर्वोत्तम प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो शिक्षा के बारे में प्रकृतिवादियों का विचार काफ़ी वैज्ञानिक था, स्वाभाविक था और व्यवहारिक भी है। ठीक है, और कहते हैं जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, ठीक, चूंकि प्रकृतिवादियों का मानना था कि इस प्रकृति में जो भी व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल अपने आप को बना नहीं पाएगा, प्रकृति में समायोजन नहीं कर पाएगा, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं कर पाएगा, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगा, उसका अस्तित्व इस संसार से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है उसका प्रमुख कार्य है जीवन संघर्ष के लिए बालक को तैयार करना। जब शिक्षा जीवन संघर्ष के लिए बालक को तैयार करेगी तो वह इस समाज में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, अपनी आइडेंटिटी बना पाएगा। अगर उसको इस प्राकृतिक संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया जाएगा तो वह इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समायोचित नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर अगली बात इन्होंने कहा
पर्यावरण से अनुकूलन की योग्यता का विकास। तो सीधा कहिए पर्यावरण से अनुकूलन, पर्यावरण से अनुकूलन, ठीक है। इन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा क्या सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, पर्यावरण से अनुकूलन सिखाया जाए कि जो बालक है, विद्यार्थी है, वह शिक्षा द्वारा उसे ऐसी योग्यताएं दिया जाए कि वह अनुकूलन स्थापित करे पर्यावरण से। अब चाहे उसका उसके जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया था उसने दो अर्थों में किया था, एक बालक की प्रकृति के रूप में किया था और एक वो प्रकृति जो आपके आसपास विद्यमान है। तो ये जो वातावरण था, जो पर्यावरण था, ये इसमें दोनों बातें आती हैं कि जो मानव निर्मित उनका परिवेश है, उनका समाज है और ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इनमें व्यक्ति अपने आप को अनुकूलित कर ले, अपने आप को उसी अकॉर्डिंग ढाल ले, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और अगला है मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बनाना, ठीक है। मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीना, प्राकृतिक जीवन जीना भी एक कला है दोस्तों। जब तक व्यक्ति इसमें कुशलता नहीं हासिल करेगा, जब तक व्यक्ति सीखेगा नहीं, कौशल प्राप्त नहीं होगा उसे कि कैसे वह प्राकृतिक जीवन जिए। आज भी बहुत से लोग हैं जो प्राकृतिक जीवन तो जीना चाहते हैं लेकिन वो तरीका नहीं है कि किस रास्ते से, किस मार्ग से, किन बातों का अनुसरण करते हुए हम प्राकृतिक जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि जो रूसो था वो प्राकृतिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था, प्रकृति को ही सब कुछ मानता था, इसलिए उसका मत था कि सुखपूर्वक जीना तो अंतिम उद्देश्य है, लेकिन वो सुख आखिर है कहाँ, वो सुख कहाँ है, प्रकृति के बीच है। प्राकृतिक जीवन जिए, संभव जो आपका स्वाभाविक जीवन है उसको जिए, कृत्रिमता से दूर रहिए, बनावटीपन से दूर रहिए, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप सफल रहेंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा रूसो का विचार था। फिर उसके बाद कहता है कि पूर्व जीवन की तैयारी, पूर्व जीवन की तैयारी। पूर्व जीवन की तैयारी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जीवन से पूर्व यानी छात्र जीवन में ही आगे कैसा जीवन व्यतीत करना है आपको, इसकी तैयारी किया जाए। आप शिक्षा के द्वारा बच्चों को ऐसे तैयार करिए ताकि आगे उन्हें जिस प्रकार का जीवन जीना है उसी के वो काबिल बने। आज भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इनका जो बात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज भी अगर बात आती है शिक्षा व्यवस्था की, अगर हम शिक्षा में अभी निगाह डालते हैं, अगर इनके इस स्टेटमेंट को हम चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि जैसे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है तो उसमें इंटर, बीए, एमए, बीएड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए जब बीए एमए है तो उसमें इतनी सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, जैसे इतिहास हुआ, समाजशास्त्र हुआ या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का व्यक्ति के जीवन जीने योग्य वो कहाँ बन रहा है। सिर्फ कंटेंट पे बात होती है, बच्चा कंटेंट रट ले, एग्ज़ाम में लिख ले, अच्छे नंबर पा जाए। सोचो कि इस व्यवस्था से पढ़ा हुआ बच्चा जब निकलेगा तो वो समाज में क्या करेगा, कौन सी कंपनी उसे नौकरी देगी जब उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। और उसे के पास तकनीकी तो छोड़िए, समाजशास्त्र पढ़ने के बावजूद भी सामाजिक ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ कापी पे था, किताबी ज्ञान था, लिख दिया नंबर आ गया, ना तो अपना व्यवहारिक जीवन जी सकता है, ना तो अपने लिए रोजी रोटी कमा सकता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों ने कहा कि पूर्व जीवन जीने की जो तैयारी होती है वो शिक्षा द्वारा किया जाए ताकि बच्चा अपना जीवन शुरू करने से पहले अपने आगे भावी जीवन के लिए वो तैयार हो जाए। इसीलिए कहा पूर्व जीवन की तैयारी करना, जीवन जीने से पहले उसकी तैयारी करा देना शिक्षा के द्वारा, ताकि बच्चे को आगे भविष्य में चलकर कोई दिक्कत ना हो। व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास। और ये शिक्षा द्वारा क्या करना चाहते थे,
व्यक्तियों का व्यक्तिगत विकास करना चाहते थे, जैसे शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, चारित्रिक विकास हुआ, इस तरह की बात इन्होंने किया। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, शिक्षा के उद्देश्य थे। इन शिक्षा के उद्देश्यों को देख लीजिए, मैंने बहुत ही क्लियर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य दिया आज वो बहुत ही प्रासंगिक है, अनुकरणीय है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उसकी काफ़ी उपादेयता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके शिक्षा संबंधी कुछ अन्य बिंदुओं पर, जैसे इनका पाठ्यचर्या, क्योंकि पाठ्यचर्या किसी भी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है, तो इसलिए पाठ्यचर्या पे बात किया जाए कि प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या कैसी थी। तो प्रकृतिवादियों ने उद्देश्यों के अनुकूल पाठ्यचर्या बनाई। ठीक है, तो इनकी जो पाठ्यचर्या थी उसमें आध्यात्मिक पाठ्यचर्या का कोई उल्लेख नहीं था। इनकी पाठ्यचर्या थी वो भौतिक ज्ञान पर आधारित थी, भौतिकता ही इनकी पाठ्यचर्या में थी। शरीर विज्ञान, चिकित्सा आदि इनकी पाठ्यचर्या के प्रमुख अंग थे, लेकिन इसमें अध्यात्म जैसा कुछ ज्ञान नहीं था, धार्मिकता की कोई इनकी व्यवस्था नहीं थी। और इन्होंने आत्मरक्षा की बात किया शिक्षा द्वारा, कि किस प्रकार से व्यक्ति प्राकृतिक जीवन जिए अगर, तो किस प्रकार से अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसने विद्यालय में जीवोपार्जन की भी बात किया, कि जीवोपार्जन कैसे करेगा बालक, उसकी तैयारी करा दिया जाए, उसे कुछ व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनके पाठ्यचर्या की, तो इनकी पाठ्यचर्या इनके उद्देश्यों के अनुकूल थी। जैसे जैसे उद्देश्य इन्होंने देखा है कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन जीना, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, व्यावसायिक उसमें होना चाहिए, और प्रकृति जीवन जिए, प्रकृति के द्वारा शिक्षा हो, और उसका भौतिक विकास हो, उसकी इंद्रियों का विकास हो, उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो, उसे ऐसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए कि वो समाज में प्रकृति के बीच अपने आप को सर्वाइव कर पाए, अपने आप को एडजस्ट कर पाए, इस तरह की इनकी पाठ्यचर्या थी। फिर आती है इनकी शिक्षण विधियाँ। तो देखिए, जो प्रकृतिवादी थे रूसो, उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा उन्होंने दिया, और उन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्रिया ज्ञान का द्वार होती हैं, शिक्षा में स्वतंत्रता, मौखिक पाठ का मत पढ़ाओ, मौखिक ज्ञान का विरोधी। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जो मौखिक पाठ्यचर्या का विरोध करती है, या सिर्फ पाठ्यचर्या दिया रहेगा तो भी रहेगा। तो खोज विधि, डाल्टन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण विधि, खेल विधि, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं शिक्षण जिनका प्रकृतिवाद से संबंध है। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां थी, प्रकृतिवाद में इस विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता था। अब बात करते हैं कि इनके शिक्षार्थी की, कि प्रकृतिवाद के अनुसार जो है शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो शिक्षार्थी था, ऐसा मानना था रूसो का कि चूँकि स्वतंत्रता प्रेमी थे, तो ये मानते थे कि किसी भी प्रकार का शिक्षार्थी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे स्वतंत्र होकर के पढ़ने देना चाहिए, उसे स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए, शिक्षा उसकी रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विद्यालय की, तो इनका जो विद्यालय के संबंध में विचार था हटके था, क्योंकि जो प्रकृतिवादी थे वो विद्यालय की आवश्यकता को नहीं समझते थे। वो कहते थे कि विद्यालय कोई ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बच्चों को स्वाभाविक रूप से प्रकृति की गोद में सीखने दीजिए, प्रकृति की गोद में ही रह करके प्रकृति को ही सबसे बड़ी शिक्षिका मानते थे, और कहते थे कि प्रकृति बच्चे को सिखा देगी। अब बात करते हैं इनके शिक्षक की, तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो सबसे बड़ा शिक्षक था वो कौन था, प्रकृति स्वयं थी। तो प्रकृति ही शिक्षक थी, लेकिन इसके अलावा इनका ये मानना था कि जो शिक्षक होना चाहिए वह इनको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बच्चों को मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। जब बच्चे आवश्यकता महसूस करें शिक्षक की, तब शिक्षक उन्हें मदद दे, और अपने मन से शिक्षक उनको डिस्टर्ब ना करे, वो जैसे सीखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, उनको वैसे सीखने या पढ़ने दिया जाए, किसी प्रकार का उन्हें कोई डिस्टर्ब
ना किया जाए, इस प्रकार का प्रकृतिवादी शिक्षा थी। तो हम देखते हैं कि शिक्षण विधियों में ये प्रकृति को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं, शिक्षा के रूप में प्रकृति को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं, ब्रह्मांड को कर्ता, सृजनकर्ता, संहारक सब कुछ ये प्रकृति को मान रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था है वह एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था है। वर्तमान में भी हम चाहे विद्यालयों की बात करें, बहुत सारे ऐसे शिक्षा पद्धतियां भारत में भी हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि वर्तमान में ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये जो दूषित समाज है, इनका जो एकमात्र इलाज है प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए, लोगों को प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दिया जाए, हमारे जो शिक्षा संस्थान है वो प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किए जाएँ और किसी प्रकार का युवाओं पर कोई प्रेशर ना डाला जाए किसी लक्ष्य की किसी उद्देश्य की। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात बताना था दोस्तों आता है निषेधात्मक शिक्षा। रूसो की क्या है? निषेधात्मक शिक्षा है, निगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। ये बहुत परीक्षा पूछता है, शिक्षा शास्त्र से PhD इंट्रेंस में भी पूछता है, UGC नेट में पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो, रूसो की नकारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हो। तो देखिए, जो रूसो था वो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। जब वो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था तो उसने उस व्यवस्था में ऐसी कुछ चीज़ें थी जिनका उसने विरोध किया। तो विरोध किया या निषेध किया, तो उसी को निगेटिव एजुकेशन कहते हैं। किन चीज़ों का विरोध किया? समय सारणी का विरोध किया कि समय सारणी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात है। इसका मानना था कि समय सारणी होने से बच्चों का जो दिमाग है वो बध जाता है, उसके आगे नहीं देख पाते, क्योंकि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है तो बच्चों की रुचियों पर होनी चाहिए। अब टाइम टेबल में बना गया कि फर्स्ट पीरियड जो है मैथ्स है, अब पहले पीरियड में बच्चे का मैथ पढ़ने का मन नहीं है, उसके बावजूद मैथ पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल में लिखा है कि पहला पीरियड जो है मैथ का या इंग्लिश का या जो भी कुछ है, तो जबकि उसका बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, तो इसलिए उसने कहा नहीं, टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, समय सारणी नहीं होना चाहिए, बच्चे का जो मन कर रहा है, जो माइंडसेट उसका है, वही उसको पढ़ाइए। दूसरी चीज उसने कहा, पाठ्य पुस्तकों का विरोध किया, पाठ्य पुस्तकों का विरोध। उसने कहा कि ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये रटा रटाया ज्ञान देती हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती हैं, इसलिए ये रटाया नहीं जाना चाहिए, उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रकृति द्वारा देना चाहिए। फिर उसने और एक चीज का विरोध किया, परीक्षा प्रणाली का। उसने कहा कि जो परीक्षाएं हैं ये अनैतिकता की ओर ले जाती हैं। आज आप टेस्ट कर सकते हैं कि परीक्षाएं कितना अनैतिकता की ओर ले जा रही हैं, परीक्षा का दबाव युवाओं पर कितना है। आप एग्जाम पीरियड में देखिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में आता है कि परीक्षा के तनाव से तैयारी नहीं थी, छात्र ने आत्महत्या कर ली, रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर ली। तो यही चीज़ रूसो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि ये फालतू में लोगों पे दिमाग, परीक्षा नहीं होगी तो क्या आदमी जिसको सीखना है जिसको पढ़ना है वो सीखेगा पढ़ेगा, क्या परीक्षा के दबाव से पढ़ेगा तो वो भूल भी जाएगा। इसलिए वो कहता था कि परीक्षाएँ नहीं होना चाहिए। आज भी देखिए, परीक्षाएं तो ही हैं लेकिन आज इसका जो स्वरूप है वो कितना विकृत हो गया है। परीक्षा सही चीज़ है कि परीक्षा की वजह से बच्चे पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें जो परसेंटाइज सिस्टम है नौकरियों में, बहुत सारे प्रवेश परीक्षा में कि परसेंटेज दिया जाता है, तो उसमें बच्चे कितने अनैतिक साधन अपनाते हैं, अपने स्वास्थ्य का, जीवन का अनदेखी करते हुए इतना पढ़ते हैं कि 99.9% जाती है एडमिशन के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो देखिए 100% की कट ऑफ निकाली गई थी लास्ट ईयर। तो ये कितना व्यवहारिक है, एक बच्चा 100 में से 100 लाए, बहुत से लोग ला ही रहे हैं। तो बच्चा इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि वो पैदा होकर पढ़ेगा, बच्चा अपना जीवन जीना भूल जाता है पढ़ाई के चक्कर में। आज की अगर शिक्षा व्यवस्था देखा जाए, 2.5 साल 3 साल का बच्चा हुआ है, एडमिशन करा दिए, 30-30, 35-35 साल तक पढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि बच्चा क्यों पैदा हुआ है? पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। जीवन के जो उद्देश्य है उससे लोग भटक गए हैं, तो इसलिए इन्होंने परीक्षा प्रणाली का विरोध किया। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को सीखने में किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण ना रखा जाए। बाह्य नियंत्रण,
सीखने में वाय नियंत्रण ना हो। तो ये चीज़ों के बारे में रूसो ने कहा कि समय सारणी ना हो, पाठ्यक्रम ना हो, परीक्षा प्रणाली का निषेध किया, सीखने पर बाह्य अवरोध का निषेध किया। यही इसका जो निषेध करना ही निषेधात्मक शिक्षा कहलाती है। अब आप समझ गए निगेटिव एजुकेशन या निषेधात्मक शिक्षा किसका कॉन्सेप्ट है? रूसो का। क्यों उसको निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है? क्योंकि वह वर्तमान तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसकी समय सारणी, पाठ्य पुस्तक, ज्ञान, परीक्षा प्रणाली, सीखने पर बाह्य नियंत्रण जैसी चीज़ों का उसने निषेध किया, विरोध किया। इसीलिए उसकी जो उस शिक्षा व्यवस्था थी निषेधात्मक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।